तो ये हमारे पास अभी क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, जहाँ पे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो कि वेरी कर रही है ई नॉट सम कांस्टेंट इनटू 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो कैपिटल आर है वो है रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द सर्कल। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सर्कल के रेडियस के नॉर्मली पास हो रही है। तो अब हम एक डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने के लिए। तो ये हमने एक सर्कल बनाया, तो साइड व्यू वाला सर्कल है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में होगी, और सपोज ये है इसका रेडियस आर, और हम एक स्मॉल डिस्टेंस पर कहिए एक आर मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पार्ट के थ्रू कोई एक फ्लक्स पास हो रहा होगा, और क्वेश्चन में हमें निकालना है यही फ्लक्स अगर ये आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाए। तो अभी इस क्वेश्चन में हम अगर एक स्टार्टिंग इंटरप्रिटेशन ले, ये ऐसा होगा कि जो सेंटर है उसके लिए स्मॉल आर का वैल्यू कितना होगा, 0। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो हो जाएगा ई नॉट, और अगर हम एकदम रेडियस पे चले जाए तो आर बाई आर 1, 1 माइनस 1, 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ई नॉट इंटू 0, 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0, उसके ऊपर जाएंगे तो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, बट उससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन पे डायग्राम से हम इंटरप्रेट कर चुके हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया क्या हो सकता है, हमारे पास फ्लक्स के लिए मेनली दो ही फॉर्मूले हैं, एक है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए और एक है क्यू नॉट या क्यू एनक्लोज बाई एफ सेलन नॉट। यहाँ पे क्यू एनक्लोज के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया है, पर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन दिया गया है। हम एक एरिया एलिमेंट निकाल सकते हैं और हम उसको उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम अब एक एरिया एलिमेंट निकालते हैं। तो ये सर्कल को हमने थोड़ा फ्रंट व्यू में लिया, हम एक डिस्टेंस आर पे एक सर्कल लेते हैं और उसका 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 थिकनेस डी आर रखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया एलिमेंट। तो इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, इसको डी ए कहते हैं, डी ए इक्वल टू 2 पाई आर जो इसका सर्कमफेरेंस है इंटू थिकनेस, थिकनेस क्या है यहाँ पे डी आर, ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है, तो हम अब लिखेंगे फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। अब डी ए से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 2 पाई आर डी आर। अभी हमारा लिमिट्स क्या होगा, आपको बोला गया है फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द सर्कल, तो इसका मतलब आप अंदर से निकालेंगे सर्कल का, हमें बाहर से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो लिमिट है वो होना चाहिए 0, जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है, से इसके रेडियस तक जो कि है आर। हमारा लिमिट आर के टर्म में इसलिए है क्योंकि हमारे इंटीग्रल में डी आर है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, सब कांस्टेंट टर्म्स अलग कर लेंगे। हम इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल सकते हैं। अभी हम इसका लिमिट पुट करेंगे, तो जब हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब हम आर पुट करेंगे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आर इंटू आर स्क्वायर जो कि हो जाएगा आर क्यूब, और ये तो आर क्यूब ही है। तो ये जब वो करेंगे तो ये बनेगा आर क्यूब बाई 2 माइनस आर क्यूब बाई 3 जो कि होता है आर क्यूब।
क्यूब बाई सिक्स। तो अभी हम अगर इसको लिखेंगे तो ये आएगा आर इंटू आर क्यूब बाई सिक्स। देयर फॉर फ्लक्स की वैल्यू सिक्स, यहाँ पे थ्री नीचे और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई थ्री ई नॉट आर स्क्वायर, और ये है आपका फ्लक्स का वैल्यू इन द प्लेन ऑफ द सर्कल।